आपने समझा, जो आपने सुना कि पाकिस्तान के बस की नहीं है, पाकिस्तान कर नहीं सकती बहुत साथ, उस पार से भी खुद पार। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पाकिस्तान से भी मतलब उनकी तो चांदी हुई थी जब से पाकिस्तान नीचे लगी हुई थी, लेकिन ये जरूर है आपको कि गलत पिक्चर आपको हमने नहीं दी। इस टोटल के बाद भी हमने आपको बताया था पाकिस्तान कौन है, ये लोग कहां से आते हैं? पाकिस्तान के पास फायर पावर है। यस, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद बाबर। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला। आजम जिस तरीके से लड़के खेल रहे हो उसको करना चाहिए था, स्टेप अप करना चाहिए। ना नीदरलैंड की गेम में परफॉर्मेंस आई, ना आज श्रीलंका गेम में परफॉर्मेंस आई, बट राइट टाइम पे राइट एडजस्टमेंट्स। और अभी बहुत तेज हो रहा है, आपको बताऊंगा थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स फाइन ट्यूनिंग और कर ले पाकिस्तान तो बहुत अच्छा चांस हो जाएगा टॉप फोर में जाने का। हालांकि लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, नेदरलैंड्स और श्रीलंका दो ऐसी टीम्स थी जिनकी बॉलिंग बहुत ही हल्की थी, बट डिस्पाइट दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड एफर्ट बाय पाकिस्तान पहली टीम बने जिन्होंने इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप 344 रन को इतनी तेज खाली बनी चाहिए। एक टीम जो कि बिल्कुल नीचे लगी हुई होती है, बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में इंडिया आती है, वॉट एवर सेड एंड डन, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी बनी मिली इनको, बट इट इज नॉट इजी कि 344 रन लगे हुए उस टीम के अगेंस्ट जो टीम तुम्हें हरा के आ रही है एशिया कप में, तुम्हारे मेन बॉलर भी तुम्हारे पास नहीं है, बाबर आजम आउट, इमामुल हक जो सॉरी टू से लेकिन टीम में नहीं होना चाहिए आपकी वो भी आउट, और उसके बाद लगातार अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मारते हैं और मोहम्मद रिजवान को तो कहना का लिमिटेड प्लेयर बट सो ग्रिटी ऑनेस्टली यार, सुपर्ब नॉक बाय मोहम्मद रिजवान यार, 121 बॉलों में 134 नॉट आउट, नॉट चौके, तीन छक्के, 110 की स्ट्राइक रेट से खेला मोहम्मद रिजवान। और अब्दुल्ला शफीक को भी दिखाना बेटा, बिकॉज हिज इनिंग्स वॉज आउटस्टैंडिंग। आप ये देखो एक चीज होती है मौका मिलना, मौका मौका करते थे ना, लेकिन मौका मिला, मौके के बाद आप देखिए बाबर किस तरीके से झप्पी पा रहे हैं, बिकॉज टीम एफर्ट है। आपको हमेशा इन्होंने पहले ही बोला भाई हमारी टीम है, टीम है, टीम अच्छा करेगी, टीम अच्छा करेगी, कट्ठे लेके चले बाबर आजम। देखो बाबर की जीत भी हुई नहीं वाली, मतलब आपको बाबर की हार भी वही होने वाली है। उसने इन लड़कों के ऊपर जुआ खेला एक तरीके से, उसने बोला भाई मेरे यही लड़के खेले हैं, मैं इन्हीं को खिलाऊंगा, मोहम्मद हफीज रिजाइन कर ले, एक्स वाई जेड रिजाइन कर ले, मेरे को इन्होंने जिताया है, और ये मेरे, और उसके वर्ड्स थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये लड़के मेरे लिए, मैं अपने ज्यादा भरोसा इन पे करता हूं। तो शादाब के नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, बट रिजवान आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया भाई दैट ही बिलोंग्स हियर, बिकॉज ओडीआई में अभी डाउट है, वैसे अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट भी है, बट कम से जरूरत ही मैच निकाल दिया ना, अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट ODI 42 से निकाल तो दिया गया, सीधी बात है, जीत गए, श्रीलंका के अगेंस्ट फंसे जीत गए और कन्विंसिंग जीते, कहीं पे फंसे नहीं हुए नजर आए, बस शुरू में 38/2 के बाद फंसे हुए थे, उसके बाद कहीं फंसे हुए नजर नहीं आए। रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में, राइट, टॉप बॉलर्स के अगेंस्ट कैसा करता है।